आप देख रहे हैं HK24 न्यूज। आज है हमारे साथ मोहम्मद मुजफ्फर अली जो बिदर के रहने वाले हैं, ASIC मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है। आइए इनसे बात करते हैं कि ASI हॉस्पिटल में स्कीम्स क्या हैं और गरीबों को लेकर क्या क्या बेनिफिट है। तो जो हमारा ASI हॉस्पिटल है ये सेडम रोड पे है, खरगे सर्कल से थोड़ा आगे। ये ASI हॉस्पिटल हमारा 100 बेड्स है फिलहाल कैपेसिटी, और मैक्सिमम हर डिपार्टमेंट है जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, OBG, पल्मोनरी, पीडियाट्रिक्स, मैक्सिमम है, सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है। और कई न्यू मशीन्स आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट चल रहा है। और साथ ही साथ हमारे पास डेंटल हॉस्पिटल भी है उसके साथ, और मैं दूसरे भी जैसे कि कोर्सेस भी चलते हैं हमारे ES हॉस्पिटल में। MBBS के 100 सीट्स हैं, डेंटल के 50 सीट्स हैं, और नर्सिंग के 50 स्टूडेंट्स फिलहाल पढ़ रहे हैं, और साथ में ही पैरामेडिकल का सेपरेट कॉलेज भी है, मगर वो फिलहाल अभी स्टार्ट नहीं है, इंशाल्लाह 2-3 साल में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कि मैक्सिमम जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो गरीब होते हैं, जो आते हैं उनका और इंश्योरेंस रहते हैं जिसे बोलते हैं हम इंश्योरेंस पर्सन। तो असल में ये ASI हॉस्पिटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, और ये आता है ESI स्कीम के अंदर। ESI जो स्कीम है ये आती है हमारे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर के में आती है, और ये जो स्कीम है ना ये गरीबों के लिए है। मीन्स आप इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है आपकी मिनिमम सैलरी होना चाहिए 21,000। इसके अंदर 100 मेडिकल सीट्स हैं और 50 डेंटल सीट्स हैं और 50 नर्सिंग के सीट चल रहे हैं जो फिलहाल स्टार्ट हो चुके हैं, और साथ ही साथ पैरामेडिकल का अलग से कॉलेज भी है, मगर वो स्टार्ट के बाद इंशाल्लाह 2-3 साल में स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस ASI जो स्कीम है ना तो उन सबके लिए है। ये ASI स्कीम जो आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आती है। ये जो स्कीम है ये गरीबों के लिए है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, आप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में या छोटी सी कंपनी होनी चाहिए और इसमें मिनिमम 10 एम्प्लॉइज होना चाहिए। आपने बताया जो स्कीम है खाली या छोटे कंपनी के लिए है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो 10 मेंबर जो काम करेंगे, या एक सिंगल पर्सन के लिए जो गरीब है उसके लिए कुछ स्कीम नहीं है ये इंश्योरेंस के वास्ते? हाँ हाँ, ये सिंगल पर्सन के लिए नहीं है, ये ग्रुप ऑफ मिनिमम 10% जो एम्प्लॉयज है एक जगह या उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 10% उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो अगर आप इतना सब करके अगर अप्लाई करते तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि हेल्थ बेनिफिट, आपको फ्री वहाँ बेनिफिट दिया जाएगा, जो भी आपके जो दवाइयाँ हो या इलाज हो फ्री किया जाएगा, और मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, या अगर आप इंश्योरेंस करा के उसके दौरान आपकी डेथ हो गई या कुछ आपको डिसेबिलिटी पैसेस होगा तो आपको इंश्योरेंस जो है ना ESI आपको 90% आपकी सैलरी देगा एज अ मुआवजा कंपनसेशन, या अगर किसी का इंतकाल हो गया जो ये था तो उसका तकफीम का भी दिया जाएगा। और मेन थिंग जो है आपको यहाँ 40% कोटा मिलेगा जो ESI के हॉस्पिटल्स हैं या कॉलेजेस हैं डिस्पेंसरीज हैं, अभी तक 9 हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं ESI की, तो आपको वहाँ फ्री ट्रीटमेंट भी मिलेगा और आपके बच्चों को 40% रिजर्वेशन है जो वहाँ पर जो फिल ऑफ है वहाँ उन लोगों के लिए। जी हाँ, जो भी नहीं कहाँ भी कौन से भी वर्ल्ड जो भी इंडिया में कहाँ कौन से भी कोने से हो अगर आप इंश्योरेंस पर्सन है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, 40% रिजर्वेशन है आपके लिए। ये बहुत अच्छी चीज है, मैक्सिमम लोग नहीं मालूम है तो आप इसका फायदा उठाना चाहिए मैक्सिमम लोग। जी आप नीट का एग्जाम में क्वालिफाई हो चुके हैं, तो आप जो स्टूडेंट जो नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कैसा क्वालिफाई हो सकते हैं, बच्चे कैसा आसानी से क्वालिफाई हो सकते हैं, इसके लिए आप कुछ बोल सकते हैं? जी हाँ, नीट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, तो इसका एक फंडामेंटल फॉर्मूला है जो हमारे टीचर्स वहां मैक्सिमम बोलते थे कि बायोलॉजी में जो 360 मार्क्स का रहता था उसमें से 300 मार्क्स को स्कोर करना, 300 मार्क्स, और सेकंड होता है केमिस्ट्री 120 मार्क्स का, उसमें से आपको 70 मार्क्स लेना चाहिए, और थर्ड होता है फिजिक्स भी 120 मार्क्स रहता है उसमें से आप 50 स्कोर करना चाहिए। तो अगर आप बायोलॉजी में 300, केमिस्ट्री में 70 और फिजिक्स में 50 मार्क्स स्कोर करेंगे, अगर आप टोटल करेंगे तो आपका टोटल हो रहा है 420 मार्क्स। अगर आप 420 मार्क्स अगर ये फंडामेंटल क्राइटेरिया आप उसका स्कोर कर दिए ना, आपको गारंटी पर पक्का सीट मिलती है आपका, मतलब यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग द सीट।
क्वालिफाई हो सकते हैं पूरा। हाँ पक्का आपको सीट मिलेगी, आप सिर्फ 420 मार्क्स बेसिक फॉर्मुलाइज करें। और ये जैसा कि बायोलॉजी मैक्सिमम 50% क्वेश्चन कवर करता है, इसमें 60 मार्क्स। और बायोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल पैराग्राफ्स रहते हैं, सिंपल रहता सब। सिर्फ आपको मेमोरी अच्छा याद रहना चाहिए, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। और मेन थिंग होना उसमें जो जरूरत होती है कि रिवीजन, रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अगर जितने बार आप रिवीजन करेंगे ना, उतना अच्छा आपका क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा, उतना अच्छा आपकी मेमोरी में वो याद रहेगा, और उतना अच्छा आपको आंसर करना आएगा, ठीक करना आएगा। तो आप मेरा मशवरा यह है कि बायोलॉजी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें और उसको ज्यादा से ज्यादा रिविजन करने की कोशिश करें। सेकेंड जो है वो केमिस्ट्री है, थोड़ा हार्ड है बायोलॉजी से, थोड़ा हार्ड है। इसमें दोनों भी आते हैं, आपकी मेमोरी भी आती है और आपका एप्टीट्यूड वो भी स्किल्स भी देखते हैं उसमें, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो मेन थिंग होती है कि इसमें और रिएक्शंस भी होते हैं, तो आप रिएक्शंस को अच्छी तरह एक डिफरेंट पेपर्स पे थोड़ा लिस्ट बना लीजिए और हमेशा 5 मिनट थोड़ा देखते रहे तो मैक्सिमम जो याद रह जाते हैं और कन्फ्यूजन नहीं होता एग्जाम में और फास्ट रिविजन आता है, याद आ जाता है। और थर्ड होता है फिजिक्स, फिजिक्स इज समवॉट डिफिकल्ट, जो मुझे जब लगता था फिजिक्स समवॉट डिफिकल्ट है इसमें, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स आते हैं और थोड़ा टाइम भी ज्यादा लेता है। और इसके लिए बहुत जो आप फिजिक्स को क्लियर करना चाहते हैं वो आप फॉर्मूलेज अच्छे याद रहना चाहिए, आपके जो फॉर्मूलेज होते हैं जितने भी टंग टिप पर रहना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं आपको मालूम पड़ता है हाँ ये फॉर्मूला आने वाला है, ये अप्लाई करो सीधा, ये सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाता है। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए फिजिक्स को सॉल्व इजी। आपने कहा ये MBBS में बहुत कुछ डॉक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन ये एक ट्रेंड चल रहा है कि इंजीनियर जो फार्मेसी में नहीं जा रहे हैं बहुत जल्द, तो इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? जी हाँ, ये फार्मेसी जो आपको आगे बहुत अच्छी फील्ड है, आपको आगे मल्टीपल कंपनीज में आपको काम करने मिलेगा, आपको खुद अपने मेडिसिन बना सकते हैं या अपनी कुछ फार्मेसी डाल सकते हैं या मार्केटिंग में भी आपको चांस है। तो मैं माध्यम दरखास्त करता हूँ कि आप लोगों से कि ये फील्ड भी बहुत अच्छी है, फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियंस, तो आपको कंपलसरी जॉब्स हैं और इसमें बहुत लोग कॉम्पिटिशन बहुत कम है, तो इसमें आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अलबत्ता दूसरे जो इंजीनियर उसके तो कम चांस होते हैं, इसमें कंपटीशन बहुत कम है इसलिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, तो आप इसमें कुछ अपना रुझान कर सकते हैं। इसी तरह के न्यूज और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करें HK24 न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन पर ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।